धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एनडीए की पूर्व सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी व सफल योजना है, जिसका लाभ पूरे देश को मिला है और देश के बहुत से ऐसे गांवों में जिनका विकास नहीं हुआ था, इस योजना द्वारा सड़क बनने के कारण व्यापार रोजगार बढ़ने के साथ विकसित हुए हैं। परंतु बाद की सरकारों के ध्यान न देने, प्रदेश सरकारों की निष्क्रियता व राजनीतिक कारणों की वजह से जिला प्रशासन द्वारा काम न करने के कारण यह योजना खासकर उत्तर प्रदेश में ठप पड़ गई है, जिससे इस योजना से लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा 120 सड़कों का निर्माण होना था, जिसमें 37 सड़कों का काम 80 करोड़ रुपया आवंटित न होने के कारण अधूरा पड़ा है, क्योंकि अब तक जिला व राज्य प्रशासन द्वारा भारत सरकार से धन आवंटित करने की डिमांड नहीं की गई है, और जब तक डिमांड नहीं की जाती तब तक भारत सरकार उस धन को अवमुक्त नहीं कर सकता। अतः उत्तर प्रदेश सरकार की निष्क्रियता व राजनीतिक कारणों के कारण धन की मांग नहीं भेजी जा रही है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि लखीमपुर जिले सहित उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही हैं, उनका शेष धन अवमुक्त किया जाए और उन सड़कों का निर्माण कराया जाए। धन्यवाद।